गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने जो लास्ट टॉपिक किया था ग्रोथ से रिलेटेड, प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड, उसमें एक छोटा सा पॉइंट बच गया था अपना, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। देखो, ग्रोथ का मेजरमेंट आप लोग किस टाइप से कर सकते हैं, इससे कुछ मेथड्स आप लोगों के सिलेबस में RBSE में दिए हुए हैं, वो अपने देखते हैं। ये कह रहा है कि बाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक सिंपल सा मेथड है कि आप डायरेक्टली क्या करें, प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व करते रहें और आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। एक मेथड इसने दे रखा है बाय हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है उसकी हेल्प से आप लोग इसका मेजरमेंट जो है वो ग्रोथ का कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है आपके एक इंस्ट्रूमेंट दिया है बाय क्रिस्कोग्राफ। ये क्रिस्कोग्राफ से जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था जेसी बोस, इंडियन साइंटिस्ट थे जेसी बोस साहब, और उन्हीं का बनाया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट था क्रिस्कोग्राफ। और इसी क्रिस्कोग्राफ के हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, प्लांट ग्रोथ को मेजरमेंट कर सकते हो। और इसमें जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैग्नीफाई ग्रोथ एज 10,000 टाइम, यानी इतने टाइम ग्रोथ को ये मैग्नीफाई कर देता है। और एक मेथड आप लोगों के दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, वो है बाय ऑक्सीनोमीटर। इस ऑक्सीनोमीटर्स की हेल्प से भी आप लोग ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, अभी मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने टाइप के ऑक्सीनोमीटर उन्होंने बताए थे। इनमें से एक ऑक्सीनोमीटर है जिसकी स्टडी अपने करेंगे, आर्क ऑक्सीनोमीटर। सेकंड जो अपना है वो है पेफर्स ऑक्सीनोमीटर। एक आप लोगों का जो थर्ड ऑक्सीनोमीटर है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू ऑक्सीनोमीटर। तो ये कुछ ऑक्सीनोमीटर आपके सिलेबस में दे रखे हैं इन्होंने, कि इस टाइप से कौन कौन से ऑक्सीनोमीटर जो है वो आप काम में ले सकते हैं। इनमें से जो RF ऑक्सीनोमीटर है उसका डायग्रामेटिकली और उससे किस टाइप से आप ग्रोथ को मेजरमेंट कर रहे हैं वो अपने देखेंगे। अभी देखे भाई, सिंपल जो आर्क ऑक्सीनोमीटर वो इस टाइप से वर्क कर रहा है, इस टाइप का सिस्टम होता है। इसके अंदर होता क्या है, इसमें ये कह रहा है कि जो आर्क ऑक्सीनोमीटर है ये इतना ही होता है, आर्क ऑक्सीनोमीटर चाप बना रहा है, इसलिए इसको आर्क ऑक्सीनोमीटर बोल रहे हैं। इसको पहले आप स्टैंड पे क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, और स्टैंड पे फिक्स करने के बाद एक पोटेड प्लांट लेते हैं। उस पोटेड प्लांट के स्टेम को, टिप पार्ट को आप लोग किसी थ्रेड से नॉर्मल बांध के उसको इस टाइप से, इसमें एक पुली लगी होती है पीछे वाली साइड में, रोटेटर लगा होता है, उस रोटेटर के ऊपर से इस धागे को ऐसे लटका के इस साइड में वेट आप लटका देते हैं ताकि थोड़ा जैसे ग्रोथ हो वो थोड़ा सा हल्का सा उसको नीचे खींच ले, और थ्रेड की हेल्प से आप लोग इसको बांध देते हैं। इसमें ये होता है पॉइंटर। देखो, इस ऑक्सीनोमीटर की हेल्प से आप ग्रोथ को कैसे मेजरमेंट करोगे, एक्चुअल ग्रोथ इन लेंथ में जो ग्रोथ होगी एक्चुअल में उसका मेजरमेंट आप करते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंटर इनटू में रेडियस ऑफ पुली अपॉन में
लेंथ ऑफ पॉइंटर फ्रॉम सेंटर ऑफ पुली। देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप लोग क्या कर सकते हो, लेंथ में इंक्रीमेंट जो होता है, लेंथ में जो ग्रोथ होती है, उसको आर्क ऑक्सोनोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हो। कैसे पता लगेगा? सपोज दैट इनिशियल कंडीशन यही है, मतलब पॉइंटर जो है वो अपनी पोजीशन पे 35 पे है सपोज दैट, और ये कह रहा है ये जो रेडियस आपको यहाँ रेड कलर की दिख रही होगी, पुली दिख रही होगी, इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस पुली की है, यानी पॉइंटर की इनिशियल लेंथ ये थी, पुली की रेडियस फिक्स होगी मान लो। अब क्या हुआ, जैसे ही ग्रोथ होगी तो ग्रोथ होने से ये वेट नीचे की तरफ खींचेगा, धागा ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस वजह से पुली भी क्या होगी, ऐसे रोटेट करेगी, यानी इस टाइप से रोटेशन होगा, ऐसे ऐसे रोटेशन होगा, ऐसे पुली ऐसे रोटेशन होगा, तो पॉइंटर इस पुली के साथ फिक्स है, ये पॉइंटर नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ मान लो 35 से ही पहुंच गया आपके 45 पे, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली इसने, 10 सेंटीमीटर। और इसके अलावा इस की रेडियस आप लोगों ने इस डिस्टेंस जो 10 सेंटीमीटर थी इनटू रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर आप लोग इस सेंटर से लेके, इस सेंटर से लेके यहाँ तक पॉइंटर की लेंथ कितनी है उससे आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास एक्चुअल ग्रोथ जो है वो आर्क ऑक्सोनोमीटर से आप मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये मेथड होता है आर्क ऑक्सोनोमीटर से ग्रोथ मेजरमेंट का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, और उसके बाद अपने चलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, ग्रोथ को कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं उनका डिस्कशन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले बेटा, देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, ग्रोथ को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर और सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने ले रहे हैं कि जो लाइट है, लाइट किस टाइप से जो है वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। तो अपने को पता है कि लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की क्वालिटी है, और लाइट की ड्यूरेशन है, यानी लाइट जो है वो थ्री पॉइंट ऑफ व्यू, जिस टाइप से आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में डिस्कशन किया था कि लाइट, लाइट इंटेंसिटी, इसके अलावा लाइट क्वालिटी एंड लाइट ड्यूरेशन। देखो लाइट से फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड फॉर्मेशन होगी, और फूड फॉर्मेशन होगी तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इट मींस फोटोसिंथेसिस में लाइट की इंटेंसिटी आप लोगों ने चेक किया था कि लो लाइट इंटेंसिटी जो है वो कहीं लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, तो कहीं हाई लाइट भी खराब करती है। इसी टाइप से लाइट की क्वालिटी, किस क्वालिटी की लाइट आ रही है, और लाइट की ड्यूरेशन क्या मिल रही है प्लांट को, फोटो पीरियडिज्म में अपने ये भी डिस्कशन करेंगे। तो लाइट थ्री पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्ट कर सकती है। फिर अपने बात करते हैं वाटर की। अपने को ये कन्फर्म था कि वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा था। वाटर अवेलेबल, वाटर ज़्यादा होगा तो ऐसी सिचुएशन में फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा, ऐसी सिचुएशन में मेटाबॉलिक प्रोसेस भी हाई रेट पे होगी। तो वाटर जो है अवेलेबल, वाटर जो है अवेलेबल, अवेलेबल सोयल वाटर जो है वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। और टेम्परेचर वैसे भी अपने को पता था कि हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कितने से, अप्रोक्स 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जो हाई टेम्परेचर होगा वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, और जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी क्या करेगा, अफेक्ट करने वाला है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है अपना ऑक्सीजन सप्लाई। अपने को पता है कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी, और ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो प्लांट की ग्रोथ भी क्या होगी, भी ज़्यादा होगी। इट मींस ऑक्सीजन सप्लाई भी कहीं ना कहीं ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है। इसके अलावा मिनरल सॉल्ट्स जो है, मिनरल न्यूट्रिएंट जो है, इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स की वजह से डेफिशिएंसी जो है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल कॉज एनी टाइप ऑफ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स कॉज एनी टाइप ऑफ डिजीज, डिजीज कॉज करेगी, उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट हो सकती है। तो इसका मतलब प्रॉपर मिनरल न्यूट्रिएंट है तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी होने वाली है। लास्ट एंड फाइनल जो अफेक्ट रहेगा अपने, वो रहेगा फाइटो हार्मोन्स का, या
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, पीजीआरस का। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड दोज अफेक्ट द ग्रोथ एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट आर नोन एज फाइटो हार्मोन। इन फाइटो हार्मोन्स का प्लांट की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगा, ये अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फाइटो हार्मोन्स का ही लेने वाले हैं। एक बार इसका स्क्रीन शॉट लें फिर अपने डिस्कशन करेंगे ग्रोथ रेगुलेटर सब्सटेंस या फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स की डिस्कशन करेंगे। देखिए भाई ये नेक्स्ट टॉपिक अपना है ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंस और वी कैन से ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंस होते क्या है, तो पहले अपने इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन माइन्यूट अमाउंट इन प्लांट बॉडी विच अफेक्ट या कंट्रोल्स द ग्रोथ and other functions at the site of far away from its synthesis site। देखें यानी ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनका प्रोडक्शन प्लांट के अंदर नेचुरली हो रहा है, माइन्यूट अमाउंट में हो रहा है, और ये क्या कर रहे हैं प्लांट की बॉडी में जो विच कंट्रोल्स द ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, अदर फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, और ये जनरली फंक्शन कहाँ करेंगे, फार अवे फ्रॉम द सिंथेसिस साइट, यानी दूसरे पॉइंट पे वर्क करेंगे। सपोज दैट अपने एक साइड से इसका डिस्कशन करें कि सपोज दैट अपने पास कोई प्लांट बॉडी थी, स्टेम थी, और इन केमिकल सब्सटेंस का सिंथेसिस साइट जो है ये टिप पार्ट था, बट ये यहाँ वर्क नहीं करेंगे, ये दूसरे पॉइंट पे सपोज दैट इस एरिया में आके वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्किंग साइट है और ये इसकी सिंथेसिस साइट है। तो ऑलवेज जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं माइन्यूट अमाउंट में सिंथेसिस होते हैं और ये क्या करते हैं प्लांट की ग्रोथ एंड अदर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम फार अवे फ्रॉम इट्स सिंथेसिस साइट, दूसरी जगह पे जाके ये कंट्रोल करने का काम करेंगे। इन ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंस का फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया जो देने वाला साइंटिस्ट था, या फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया गिवन बाई एक साइंटिस्ट था वॉन शेक। उस वॉन शेक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का या प्लांट ग्रोथ कंट्रोलिंग जो सब्सटेंस था उनका आइडिया दिया गया था। किसके थ्रू भी, किसने दिया था ये आइडिया, ये वॉन शेक ने दिया था, और इसने इनको बोला था ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंस। इसने क्या नेम दिया था, ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंस। उसके बाद फर्स्ट फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड बाय एफ डब्ल्यू वेंट। किसने डिस्कवर किया था, एफ डब्ल्यू वेंट ने। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये सेकंड पॉइंट ले लें अपने इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के। इसके अलावा हार्मोन वर्ड गिवन बाय एक साइंटिस्ट था स्टर्लिंग
उस स्टर्लिंग ने ये फाइटो हार्मोन का जो कॉन्सेप्ट था स्टर्लिंग, वो फाइटो हार्मोन का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड फाइटो हार्मोन नेम जो था, फाइटो हार्मोन नेम बाय एक साइंटिस्ट था थीमान, उस थीमान साइंटिस्ट ने ये फाइटो हार्मोन टर्म जो है वो दी थी। तो ये तो इनका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि किस टाइप से किस साइंटिस्ट ने क्या नेम दिया। इसके अलावा इन ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंस की या फाइटो हार्मोन्स की, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें, इनका क्लासिफिकेशन भी है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट जो सब्सटेंस है वो आप लोगों का है ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, ग्रोथ प्रोमोटिंग, और दूसरे हैं ग्रोथ इनहिबिटरी। देखो ग्रोथ प्रोमोटिंग ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और ग्रोथ इनहिबिटरी क्या करेंगे, ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करेंगे। इस प्रोमोटिंग वाले में अपने मोस्टली जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एक तो ऑक्सिन का, एक रहेंगे अपने जिब्रेलिन्स जो है उनका डिस्कशन करेंगे, एक अपने करेंगे साइटोकाइनिन्स का, और इसके अंदर अपने करेंगे इथाइलिन और EBA एब्सिसिक एसिड हार्मोन की भी बात करेंगे। तो ये आपके कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स का कॉन्सेप्ट था कि ग्रोथ रेगुलेटर जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, माइन्यूट अमाउंट में सिंथेसिस होते हैं, वर्क कहाँ करेंगे, अदर साइट और फार अवे फ्रॉम इट्स सिंथेसिस साइट, और ग्रोथ एंड अदर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया जो था वो ओनसेक का था, उसने बोला इनको ऑर्गन प्रोमोटिंग सब्सटेंस। उसके बाद FW वेंट जो था उसने फर्स्ट फाइटो हार्मोन का डिस्कवरी की थी जो था ऑक्सिन आप लोगों का। उसके अलावा हार्मोन वर्ड जो था वाज गिवन बाय स्टर्लिंग, और फाइटो हार्मोन नेम जो दिया था वो किसने दिया था, थीमेन ने। क्लासिफिकेशन की बात करें तो टू टाइप से आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग यानी ग्रोथ को प्रमोट करने वाले, एंड सेकेंड वन है ग्रोथ इनहिबिट यानी ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले जो हार्मोन्स है उनका डिस्कशन अपने करेंगे। एक बार इसका स्क्रीन शॉट लें, फिर अपने ग्रोथ प्रोमोटिंग में फर्स्ट जो ऑक्सिन है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए बेटा फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन जो अपने डिस्कशन करने वाले हैं, जो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स में आता है, फाइटो हार्मोन्स में जो आ रहा है वो आपका आ रहा है ऑक्सिन। देखो ऑक्सिन जो है वो ऑक्सिन से बना है, ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट होता है, इसका मीनिंग है टू ग्रो यानी इसका मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं उनको इन्होंने नेम दिया कोलेक्टिवली ऑक्सिन। खास बात है डिस्कवरी इसकी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय FW वेंट, ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की, FW वेंट ने। इसके अलावा फर्स्ट ऑक्सिन आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन ह्यूमन के यूरिन से फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑक्सिन था उसको आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। इसके अलावा बात करें कि ये कह रहा है कि कुछ इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरल सिंथेसाइज्ड एंड आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड केमिकल्स विच आर सिमिलर इफेक्ट विच आर
विच हैव सिमिलर इफेक्ट ऑन ग्रोथ आर कोलेक्टिवली नॉन एज ऑक्सिन, यानी इंडोल एसिटिक एसिड के जैसे कुछ नेचुरली सिंथेसाइज और आर्टिफिशियल सिंथेसाइज केमिकल जिनका इफेक्ट क्या हो बिल्कुल ऑक्सिन के जैसा ही हो, उनको उन्होंने कोलेक्टिवली क्या नेम दे दिया, ऑक्सिन नेम दे दिया। इस ऑक्सिन की डिस्कवरी का या इस ऑक्सिन की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट था चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन एंड उसका सन जो था वो था फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन जो थे वो वर्क कर रहे थे, एक कैनरी ग्रास थी फेलेरिस कैनरियंसिस, फेलेरिस कैनरियंसिस ये कैनरी ग्रास है जिसका नेम है फेलेरिस कैनरियंसिस। इस कैनरी ग्रास ग्रास का कोलियोप्रोटाइल जो था, कोलियोपटाइल उस पे वर्क कर रहे थे कौन भाई, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। और वर्क जो कर रहे थे वो कर रहे थे फोटोट्रॉपिक इफेक्ट चेक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, फोटोट्रॉपिक इफेक्ट चेक कर रहे थे। और उस टाइम इन्होंने ऑक्सीजन के सिमिलर प्रोडक्ट को इन्होंने चेक किया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले फिर मैं बताता हूँ कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था भाई। देखिए भाई इनका एक्सपेरिमेंट जो था डार्विन साहब का, डार्विन जो थे उन डार्विन का एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने कैनरी ग्रास ली, कैनरी ग्रास के टिप पे वर्क कर रहे थे। सपोज दैट ये कैनरी ग्रास है अपने पास और कैनरी ग्रास ये टिप पार्ट है, इन्होंने इस टिप पार्ट को इल्यूमिनेट किया लाइट सोर्स, इसको इल्यूमिनेशन दिया लाइट का। तो उन्होंने कहा कि कुछ टाइम बाद में जैसे आप इसको लाइट प्रोवाइड करा रहे हो, ये कैनरी ग्रास जो है वो लाइट की तरफ बेंडिंग शो करती है, इस टाइप से लाइट की तरफ बेंडिंग शो करेगी। ये इफेक्ट जो है मूवमेंट ऑफ प्लांट बॉडी टुवर्ड्स लाइट सोर्स, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं आप लोग फोटो फोटो ट्रॉपिक इफेक्ट, क्या बोलते हैं बेटा, फोटोट्रॉपिक इफेक्ट बोला जाता है इसको। अब ये फोटोट्रॉपिक इफेक्ट का जब स्टडी कर रहे थे तो इन बंदों के माइंड में इन्होंने कहा कि व्हेन टिप ऑफ कैनरी ग्रास इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट सोर्स देन बेंडिंग अकर्स इन टिप पॉइंट, दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो पीरियोडिक इफेक्ट। इन्होंने कहा कि when we covered tip of grass then photo ट्रॉपिक इफेक्ट नहीं मिला है, यानी इस टिप को इन्होंने क्या किया कि सेम ग्रास ली इस टाइप से और इस सेम ग्रास के टिप पार्ट को इन्होंने ब्लैक कैप से कवर्ड कर दिया, इस टाइप से टिप पार्ट को कवर कर दिया। और कवर करने के बाद इसको लाइट सोर्स अवेलेबल कराया तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर नो मोमेंट थी, कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं मिल रही थी या बेंडिंग जो है वो इनको नहीं मिल रही थी। इन्होंने वापस क्या किया, इसको डीकैपिटेट किया, डीकैपिटेट
कैपिटिक एंड देन इल्यूमिनेट विद लाइट। तो इसके अंदर क्या थे, जो फोटो ट्रॉपिक इफेक्ट जो था वो प्रेजेंट था। इट मींस सीधा सा ये हुआ कि इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि इसके टिप वाले पार्ट में कुछ केमिकल होंगे और दीज केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। और इसी बेस पे इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नेम था द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। यानी इसने ये सारे एक्सपेरिमेंट लिखे, द पावर पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। इस बुक के अंदर इन्होंने ये सारे के सारे अपने कंक्लूजन जो है वो फ्रांसिस डार्विन और उसका जो चार्ल्स डार्विन और उसका बेटा जो फ्रांसिस डार्विन था समझौता, उन्होंने कैनरी ग्रास पे वर्क किया। अपने को याद तो ये रखना है कि वर्क किसने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांसिस डार्विन एंड चार्ल्स डार्विन ने, किस पे, कैनरी ग्रास पे। और इसके अलावा बुक कौन सी लिखी थी, द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। और इसके बेस पे क्या था कि जब आप इस टिप पार्ट को इल्यूमिनेट करते हो लाइट से तो इसमें बेंडिंग होती है, यानी फोटोट्रॉपिक इफेक्ट मिलता है। इन्होंने कहा कि जैसे आप इसको कवर कर देते हो और कैपिटेट कर देते हो तो ऐसी सिचुएशन में उसके अंदर मूवमेंट नहीं मिल रही, और आप जैसे ही इसको डिकैपिटेट कर देते हो, अनकवर्ड कर देते हो, देन उसके अंदर वापस आपको मूवमेंट मिल जाती है। तो इन्होंने इस बेस पे एक रिजल्ट जो है, कंक्लूजन जो है, उन्होंने निकाला कि सम केमिकल्स आर सिंथेसाइज इन टिप पार्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोमेंट। ये डार्विन के एक्सपेरिमेंट थे। इन्हें डार्विन वाले एक्सपेरिमेंट को फर्दर जो किया था वो किया था बॉयसन एंड जेनसन साइंटिस्ट ने। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, बॉयसन जेनसन का क्या इफेक्ट था, किस पे इफेक्ट एक्सपेरिमेंट किया वो अपने देखते हैं। ठीक है बेटा, सेकेंड जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था बॉयसन एंड जेनसन ने। बॉयसन एंड जेनसन का एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था, ओएट पे था, यानी एविना सेटाइवा जो जई होती है उसके ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट था, बॉयसन एंड जेनसन का। सिमिलर एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया, डीकैपिटेड एविना डज नॉट शो कर्वचर, यानी उसमें मूवमेंट नहीं दिख रही। और ये कह रहा है जैसे मान लो इसने क्या किया कि ये एविना का प्लांट था, इस एविना के कोलियोपोटाइल को, इस कोलियोपोटाइल पार्ट जो था, इस कोलियोपोटाइल को इन्होंने कट कर दिया। कट करके ये जो एरिया था, ये पीछे जो एरिया बचने वाला है वो तो अपने था स्टंप पार्ट, और इसके टिप पार्ट को इन्होंने सेपरेट कर दिया, इसके पार्ट को कट कर दिया। तो ये जो स्टंप पार्ट था, इस स्टंप पार्ट को इन्होंने यूनिलेटरल लाइट प्रोवाइड की, और जैसे लाइट प्रोवाइड गई तो इसके अंदर नो बेंडिंग थी, किसी भी टाइप की बेंडिंग आप लोगों को नहीं मिल रही थी। फिर इन्होंने क्या किया कि जो स्टंप पार्ट था, इस स्टंप पार्ट पे रिप्लेस किया इस कट पार्ट को, कटेड पार्ट को, टिप पार्ट को रिप्लेस टिप पार्ट। और जैसे इस टिप पार्ट को रिप्लेस करने के बाद इन्होंने इसको लाइट प्रोवाइड की तो बेंडिंग हो गई थी टुवर्ड लाइट। ठीक है, तो सेम सिमिलर एक्सपेरिमेंट हो गया कि जैसे आप इसका टिप पार्ट जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टिप पार्ट से कुछ केमिकल सिंथेसिस होगी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ ए प्लांट। आफ्टर दिस ही यूज माइका प्लेट। देखो माइका जो सनमाइका होती है वो क्या करती है, केमिकल्स को नीचे की तरफ, यानी वाटर प्रूफ जो माइका होती है उसको इन्होंने क्या कर दिया,
लगा दिया इस टाइप से, सेविना को कट किया, इसी प्लांट को मैं लेके चल रहा हूँ। इस टाइप से माइका प्लेट को डार्क वाले एरिया पे लगा दिया। कौन सी साइड में प्लेस कर दिया, अभी इसको डार्कर साइड में इसको प्लेस कर दिया माइका को, और फिर इसको इस टाइप से लाइट प्रोवाइड किया। इन्होंने चेक किया कि इसके अंदर भी जो मूवमेंट थी या बेंडिंग जो थी वो नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि इसी माइका प्लेट पे, इसी माइका प्लेट को मैं इधर लिख रहा हूँ, इस माइका प्लेट को लाइट वाली एंड पे लगा के देखा। लाइट साइड जो थी, जिस लाइट सोर्स वाली साइड जो थी, उस साइड पे माइका प्लेट को इंसर्ट किया। और उसके बाद उसको लाइट सोर्स अवेलेबल करवाया। इसको लाइट प्रोवाइड की, लाइट प्रोवाइड करने के बाद इन्होंने देखा, इसका रिजल्ट चेक किया तो बेंडिंग हो गई थी। देखो इन सब कंक्लूजन इनका क्या निकलेगा वो देखें। बॉयसन जेंसन का एक्सपेरिमेंट किस पे था, ओइट पर था, जिसका बॉटनिकल नेम है एविना सेटाइवा। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा कि जो एविना सेटाइवा जो है उसके कोलियोपटाइल को आप डीकैपिटेट कर देते हो, हटा देते हो, देन दिस डज नॉट शो एनी कर्वेचर, यानी उससे मूवमेंट नहीं होगी। जैसे इस एविना सेटाइवा को लिया, इसकी कोलियोपटाइल को रिमूव किया, लाइट अवेलेबल कराई, तो बेंडिंग नहीं हो रही थी या फोटोट्रॉपिक इफेक्ट इस पर नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने सेकंड किया कि डीकैपिटेटेड पार्ट को रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद रिमूव्ड पार्ट जो था उस रिमूव्ड पार्ट को इन्होंने वापस इंसर्ट कर दिया, वापस उसके ऊपर रख दिया, रिप्लेस कर दिया। देन उस सिचुएशन में जैसे आपने उसको लाइट सोर्स अवेलेबल कराया, उसकी बेंडिंग हो गई थी, किसकी तरफ, लाइट की तरफ बेंडिंग हो गई थी। इसका मतलब जो टिप पार्ट है, कोलियोपटाइल जो पार्ट है, कोलियोपटाइल बोल दें, टिप बोल दें, टिप पार्ट बोल दें, या कोलियोपटाइल पार्ट बोल दें इसको, ये कोलियोपटाइल कहीं ना कहीं बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उन्होंने क्या किया कि इस टिप वाले पार्ट में जो डार्कर एंड थी, ये कौन सी साइड है, अभी ये डार्क साइड है, डार्क साइड, इस डार्क साइड की तरफ माइका प्लेट लगा दी। ये है माइका प्लेट, माइका प्लेट, इस माइका प्लेट को लगा के लाइट अवेलेबल कराई, देन ऐसी सिचुएशन में बेंडिंग नहीं हो रही थी। फिर इन्होंने क्या कर दिया, इसी प्लांट को इसी के लाइट वाली साइड में, जिस साइड से लाइट प्रोवाइड करा रहे थे, उस साइड में माइका प्लेट लगा दी, और माइका प्लेट लगा के इसको लाइट इल्यूमिनेट किया, तो इसके अंदर बेंडिंग हो गई थी। यानी इसका एक एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो गया ये वाला, थर्ड एक्सपेरिमेंट हो गया ये वाला, और फोर्थ एक्सपेरिमेंट हो गया ये वाला। इन्होंने फोर एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो कंक्लूजन निकाला, इनका कंक्लूजन था कि सम केमिकल्स आर सिंथेसाइज्ड इन टिप पार्ट ऑफ कोलियोपटाइल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, एंड दीज केमिकल्स आर ट्रांसलोकेटेड डाउनवर्ड, यानी ये कहाँ जाएंगे, डाउनवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड फ्रॉम डार्कर एंड, कौन सी साइड से जा रहे हैं, डार्कर एंड से, क्योंकि देखो इधर से डार्क वाली साइड में आपने माइका लगा दी, इनकी मूवमेंट लोअर साइड में नहीं हुई, मूवमेंट नहीं हुई, तो आपने जैसे इनको लाइट अवेलेबल कराई, इसके अंदर लो कर्वर्चर मिलेगा, कर्वर्चर नहीं मिलेगा किसी भी टाइप से। इस वाले एरिया में क्या हुआ कि डार्कर साइड को आपने फ्री छोड़ दिया, लाइटर साइड में ही आपने माइका लगाई, इट मीन्स इधर से लाइट अवेलेबल कराओगे तो केमिकल जो टिप पार्ट में सिंथेसिस हो रहे थे वो ट्रांसलोकेट हो सकते हैं फ्रॉम डार्कर साइड, और ये बेंडिंग हो रही थी। इट मीन्स जो केमिकल सिंथेसाइज्ड इन टिप पार्ट आर ट्रांसलोकेटेड डाउनवर्ड थ्रू डार्कर एंड, तो ये इनका कंक्लूजन था, किनका भी, बॉयसन एंड जेंसन का। तो केमिकल्स मूव डाउनवर्ड थ्रू डार्क साइड, कौन सी साइड से, नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहे थे, डार्क साइड से, और उस डार्कर एरिया के अंदर जो लोअर पार्ट था उसके अंदर इलोंगेशन करवा के ग्रोथ करवाने का काम कर रहे थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो पॉल का था,
देखो जो पॉल साइंटिस्ट था उस पॉल का बेंसन एंड जोसन के बाद में, जेंसन के बाद में जो एक्सपेरिमेंट था, इसने क्या किया कि वेन, इसका एक हाइपोथेसिस था, वेन कट टिप पार्ट वाज रिप्लेस्ड इसेंट्रिकली ऑन स्टम्प, देन इट शो ग्रोथ ग्रोथ इन डार्क। यानी ये कह रहा है कि जब आप लोग इस जो कटेड पार्ट था उसको इसेंट्रिकली, सपोज दैट अपने पास ये स्टम्प पार्ट था, इस स्टम्प पार्ट पे ये कह रहा है कि आप लोग जो कटेड पार्ट था उस कटेड पार्ट को इसेंट्रिकली यहाँ रख देते हो, इस टाइप से कटेड पार्ट को यहाँ रख देते हो, तो इवन ये कह रहा है कि डार्क के अंदर भी क्या शो कर देगा, कर्वेचर शो कर देगा। यानी इसका जो कॉन्सेप्ट था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस था, इसका कॉन्सेप्ट क्या था भाई, कॉन्सेप्ट जो था वो था अनइक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस। ग्रोथ सब्सटेंस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कौन कर रहा था, पॉल कर रहा था। सिमिलर एक्सपेरिमेंट थे इसके, पॉल एंड बॉयसन एंड जेंसन के, जस्ट इसने बात की थी ईसेंट्रिकल इनको रिप्लेस करने की बात। उसके बाद अपने बात करेंगे एफ डब्ल्यू वेंट की, जिसने मेन एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद फोर्थ साइंटिस्ट था एफ डब्ल्यू वेंट। इस एफ डब्ल्यू वेंट ने 1928 के अंदर एक्सपेरिमेंट किए, वही एविना स्टाइबा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, और इसने क्या किया, इसने आइसोलेट आइसोलेट केमिकल, या फिर यूं मान लें ऑक्सीन ऑन अगार ब्लॉक, अगार ब्लॉक पे इनने क्या कर दिया, आइसोलेट कर लिया। और आइसोलेट करने के बाद में इसने एविना स्टाइबा पे एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट था एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको। देखिए बेटा एफ डब्ल्यू वेंट का जो एविना स्टाइबा पे एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट किस टाइप का था, इसने फर्स्ट ऑफ ऑल किया कि ये जो एविना सेटाइवा थी, इस एविना सेटाइवा के टिप पार्ट को कट किया, टिप पार्ट को कट किया, और इस टिप पार्ट को कट करके इसने इसको अगार ब्लॉक्स पे रख दिया। ये अगार ब्लॉक्स थे, मैं अलग कलर से इसको इस अगार ब्लॉक इस अगार ब्लॉक पे इसने इसको क्या कर दिया, रख दिया भाई अगार ब्लॉक पे। अगार अगार कौन सा सब्सटेंस है, किससे ऑब्टेन होता है, ये आप लोग मेरे को, आज का क्वेश्चन है आप लोगों का, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब देंगे कि अगार अगार जो पॉलीसेक्राइड है वो आप किससे ऑब्टेन करते हैं, कौन सी एल्गी से ऑब्टेन कर रहे हैं, इनके नेम आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को मैसेज करना है, अभी करें तुरंत। उसके जस्ट बाद में जो अगार ब्लॉक्स थे, उन अगार ब्लॉक्स के ऊपर इस टिप पार्ट को इसने इस टाइप से रख दिया। ठीक है, रखने के बाद इसने क्या किया, इस अगार ब्लॉक के टुकड़े कर लिए, पीस कट कर लिए, अगार ब्लॉक के छोटे छोटे इस टाइप से पीस कट जो है वो कर लिए, किसके, अगार के, और इसको हटा दिया। उसके जस्ट बाद में इसने ये जो स्टंप पार्ट था पीछे, इस स्टंप पार्ट पे इस स्टंप पार्ट में नॉर्मल ग्रोथ तो होगी, यानी लीफ तो जर्मिनेट होगी, चलो आप लोग इसको छोड़ें लीफ जर्मिनेशन को, इसने क्या किया, इन ब्लॉक्स को इस टाइप से इस पे रिप्लेस किया, ईसेंट्रिकल भी रख दिया, इस टाइप से रख के चेक किया, एक साइड रख के देखते पहले,
इस टाइप से रखा, फिर इसको लाइट से इल्यूमिनेट किया, इधर से इसने लाइट इसको अवेलेबल करवाई। जैसे इसने लाइट दी, इसने कहा कि इसके अंदर बेंडिंग हो गई थी टुवार्ड्स लाइट, सॉरी टुवार्ड्स डार्कर एंड। इस टाइप से इसमें बेंडिंग शो हो रही थी। इट मींस इसका कंक्लूजन था कि इसकी जो केमिकल्स थे वो किसमें आ गए भी, इस आगार ब्लॉक्स के अंदर आ गए, और इन आगार ब्लॉक्स को जैसे आपने रखा वो इसकी बेंडिंग कर्वेचर इसके अंदर करवा रहे थे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इन केमिकल्स का लीचिंग हो रही है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है आगार ब्लॉक्स के अंदर, और आगार ब्लॉक्स जो है वो इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये तो इसका कंक्लूजन था। ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ही आइसोलेट आइसोलेट ऑक्सीन, नेम भी इसने दिया, ऑक्सीन को आइसोलेट किया फ्रॉम टिप पार्ट ऑन आगार ब्लॉक पे इसने आइसोलेट कर लिया। इसी वजह से इसने कहा कि कुछ ऑक्सीजन जो आइसोलेट होगी और कुछ जो ऑक्सीजन आइसोलेट नहीं हुई, उसी के बेस पे ऑक्सीजन के टू टाइप बता दिए, एक फ्री ऑक्सीजन और सेकंड आप लोगों की है बाउंड ऑक्सीजन। देखो फ्री ऑक्सीजन जो है वो तो इजीली आइसोलेट हो गई ऑन अगर, और जो बाउंडेड थी वो नो आइसोलेशन, इनका आइसोलेशन नहीं हुआ। तो फ्री ऑक्सीजन का और बाउंडेड ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट भी इसी का था, आपके एफ डब्ल्यू वेंट का। और इसने ये जो ऑक्सीजन नेम दिया था, नेम ऑक्सीजन गिवन बाय एफ डब्ल्यू वेंट, इसने नेम दिया भाई एफ डब्ल्यू वेंट ने ही ऑक्सीन नेम जो है वो इन केमिकल्स के लिए दिया, जो केमिकल्स इस टाइप से नीचे की तरफ लीच हो रहे थे और प्लांट के जो स्टम पार्ट है उसके अंदर ग्रोथ से रिस्पॉन्सिबल थे, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इसके अलावा इसका कॉन्सेप्ट ये भी था कि मूवमेंट ऑफ दिस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ दिस ऑक्सीजन फ्रॉम डार्क साइड तो अप्रोक्स 57% ऑक्सीजन मूव कर रहा था, लाइट साइड जो थी लाइट वाली, उससे अप्रोक्स 27% ऑक्सीजन जो है वो मूव कर रहा था, 27%। और ये कह रहा था कि अप्रोक्स 16% ऑक्सीजन जो है वो आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इज लॉस्ट बाय फोटो फोटो कौन सा इफेक्ट था आप बताएं भी, जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जो है वो लाइट की वजह से क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ऐसे इफेक्ट को आप लोग क्या नेम दे रहे थे, तो ये फोटो ऑक्सीडेशन, कौन सा इफेक्ट था बेटा, फोटो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट था। तो फोटो ऑक्सीडेशन के इफेक्ट की वजह से अप्रोक्स 16% ऑक्सीजन तो डिस्ट्रॉय हो रहा था, लाइट वाली साइड से कितना जा रहा था 27%, और डार्कर एंड से कितना ट्रांसफर हो रहा था 57% ट्रांसफर हो रहा था। ये इसका एफ डब्ल्यू वेंट का एक्सपेरिमेंट था, और एक्चुअल क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन टू एफ डब्ल्यू वेंट। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने देखते हैं कि इस ऑक्सीजन के जो कोगल एंड हेंगेन, कोगल एंड हेंजन, इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक डच पेशेंट था, डच पेशेंट से इंडोल एसिटिक एसिड के सिमिलर जो सब्सटेंस था उसको आइसोलेट किया था, इंडोल एसिटिक एसिड को यूरिन से आइसोलेट किया था, यूरिन ऑफ ह्यूमन से आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के जस्ट बाद में इसका फॉर्मूला इन्होंने दे दिया था, वो दिया था इन्होंने C18H32O5।
और इसको इन्होंने केमिकली ऑक्सेनो ट्रियोलिक एसिड नेम दिया था। क्या नेम दिया था? ऑक्सेन ट्रियोलिक एसिड नेम दिया था। इसी टाइप से इसके बाद में क्या हुआ कि जो ऑक्सीन थे इसके टाइप दिए गए, इसके टू टाइप्स जो है वो बताए गए। इन टू टाइप्स में वन टाइप आता है आपका नेचुरल नेचुरल ऑक्सीन, और सेकंड टाइप जो आता है वो आपका आता है सिंथेटिक सिंथेटिक ऑक्सीन। देखो आप लोगों से नेम पूछे जा सकते हैं। नेचुरल ऑक्सीन के अंदर बात करें अपने तो एक आता है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा आता है इंडोल सॉरी फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। एक आता है आपका फोर क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, फोर क्लोरो क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड। देखो ये इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल एसिटिक एसिड, और ये है फिनाइल एसिटिक एसिड। ये तो है थ्री नेचुरल ऑक्सीन। और सिंथेटिक ऑक्सीन जो है, सिंथेटिक ऑक्सीन के अंदर जनरली आप लोगों से कुछ एग्जाम्पल जो है वो पूछे जा सकते हैं। इंडोल थ्री ब्यूटारिक एसिड, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ IBA, इंडोल थ्री ब्यूटारिक एसिड। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है इंडोल थ्री प्रोपियोनिक एसिड IPA, इंडोल थ्री प्रोपियोनिक एसिड। इसके अलावा आप लोगों से जो मोस्ट पॉपुलर नेम पूछा जाता है वो पूछा जाता है 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, यानी 2,4-डी। शॉर्ट नेम मिलता है आप लोगों को 2,4-डी, इसका नेम है 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक ऐसे। देखो ये एज ए वीडिसाइड जो है वियतनाम वार में भी 2,4-डी को यूज किया गया था। तो 2,4-डी का मोस्टली आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा 2,4-5-टी भी पूछा जा सकता है, 2,4-5-टी। ये देखो 2,4-5-टी जो है वो क्या है, ये होता है आपका 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये फुल फॉर्म सबकी याद रखनी है अपने। इसके अलावा आप लोगों से जो पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है कार्बोक्सी मिथाइल थाया कार्बोनेट, कार्बोक्सी मिथाइल थायो कार्बोनेट, कार्बोक्सी मिथाइल थायो कार्बोनेट। इसके अलावा ये आप लोगों से पूछ सकता है 2-मिथाइल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2-मिथाइल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2-मिथाइल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। शॉर्ट में आप लोगों से डायरेक्टली ये दे सकता है आप लोगों को मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ऐसे भी दे सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म मैं इस साइड में लिख देता हूँ, 2-मिथाइल-2-मिथाइल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये कुछ सिंथेटिक जो ऑक्सीन है वो आप लोगों से नेम पूछे जा सकते हैं कि आर्टिफिशियली और सिंथेटिक एसिटिक एसिड जो ऑक्सीन्स है वो कौन कौन से हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, उसके बाद अपने आगे चलेंगे। खास बात ये रहेगी कि अपने जो इसके बाद टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जो है उसका प्लांट की बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कौन से इफेक्ट पड़ेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।